तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं नेस्टेड लूप के बारे में बात करूंगा। अब नेस्टेड लूप होता क्या है? तो ये होता है, दो लूप बनाते हैं जिसमें एक इनर लूप और एक आउटर लूप बनता है, और कुछ पैटर्न बनाने के लिए इस चीज़ का यूज़ होता है। तो जैसे कि वन का पैटर्न हुआ, वन वन टाइम प्रिंट होगा, टू टू टाइम प्रिंट होगा, थ्री थ्री टाइम प्रिंट होगा, फोर फोर टाइम प्रिंट होगा, जैसे आप अपनी वैल्यू इंटीजर की सेट करते हो उस हिसाब से। तो ये बनता कैसे है? चूंकि और भी आईडीई में ये चीज़ पॉसिबल है, जैसे कि लोग विजुअल स्टूडियो या फोर में पाइथन में भी ये चीज़ बनाते हैं। मैं आर्डिनो आईडीई के अंदर ये चीज़ करूँगा कि कैसे आप टर्मिनल का यूज़ करके वो एक्चुअल आउटपुट देख सकते हो। तो मैं आर्डिनो आईडीई पे ही ज़्यादातर चीज़ें करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक हार्डवेयर है जिसके साथ मुझे मित्र आर्डिनो जिसको मैं बोलता हूँ, उसके साथ काम करने में मुझे मज़ा आता है। तो सबसे पहले करते हैं यहाँ पे एक वैल्यू डिसाइड के आई की वैल्यू जो होनी चाहिए मेरी, वो होनी चाहिए वन। ठीक है, अगेन सीरियल बिगिन का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि मुझे सीरियल प्रिंट टर्मिनल का यूज़ करना है, तो उसमें इस चीज़ की ज़रूरत है मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फोर लिखूंगा। फोर लिखने के बाद इसमें मैं तीन कंडीशन जो कि मैं डालता हूँ, फोर लूप पे वीडियो बन चुका है वो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में जाओ या तो आप मेरे वीडियोस चैनल के वीडियोस में जाके आप वो चीज़ देख सकते हो कि बहुत से वीडियो बन चुके हैं। तो फोर का यूज़ किया है मैंने। अब चूंकि आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, तो मैं उसे खाली इतना बता के छोड़ दूंगा कि भाई आई मेरी एक वैल्यू है, तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन मेरी जो होगी कि मैं इसको पैटर्न में जो भी मैं बनाऊँ वो कितने तक जाना चाहिए। तो पैटर्न का एक इमेज आपको मिल जाएगा ताकि आप देख सको कि फाइनल रिजल्ट में क्या आने वाला है। तो लेस देन क्या होगा? तो फाइव करता हूँ, यानी फाइव तक मुझे जाना है। और आई को कर देता हूँ प्लस 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 प्लस, और राउंड ब्रेस क्लोज होगा, उसके बाद एंटर करूंगा और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर फिर इसके अंदर एक और लूप ऐड करूंगा। वो क्या होगा? तो वो फोर लूप होगा जिसके अंदर मैं वैल्यू बता दूंगा कि इंट है जो है मेरा जे जे क्या के कर देता हूँ के क्यों आर कर देता हूँ। तो आर जो है मेरा वो क्या है? इक्वल जीरो सेमीकॉलन। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या आनी चाहिए? तो मैं आई को आर को डिपेंड कर देता हूँ जे पे, सॉरी आई पे कर देता हूँ, आर को डिपेंड कर देता हूँ आई के ऊपर। तो जो मेरा आर है वो किस पे डिपेंड है? तो के आई पे, यानी आई की वैल्यू के साथ अपने आप को ये कंपेयर करते जाएगा कि भाई वो लेस देन है जो भी है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे मैं आर की वैल्यू को कर देता हूँ प्लस प्लस, और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इसका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा यहाँ से। और एक्चुअल में स्टार्ट हो गया क्या? ओके, तो यहाँ से मैं एंटर कराऊंगा, सॉरी मैं प्रिंट कराऊंगा सीजीएल डॉट प्रिंट प्रिंट लिखूंगा खाली, और इधर मैं प्रिंट कराना चाहूंगा अपनी आर की वैल्यू को, क्लोज सेमी कॉलन, और इतना होने के बाद कंपाइल करते हैं। एरर आया है कहीं पे, कहाँ पे? तो यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया था मैंने, अब एरर नहीं आएगा। ठीक है, और इसको करते हैं अपलोड, करते हैं टर्मिनल को ऑन, और मुझे मिल रहा है 00 10 10, क्या है यार ये? तो आई की वैल्यू लेस देन 5, आगे बढ़ेगा आर 0 है, आर की वैल्यू लेस देन आई, आर आई से छोटा है, आर प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू इतनी है। तो आगे बढ़ेगा, अगेन ये 4 के अंदर जाएगा। ओके, और ओके मुझे आर की वैल्यू प्रिंट करनी है, ना कि मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। ओके, अपलोड करते हैं देन और रिजल्ट देखते हैं। तो 1 2 2 3 3 3 4 4 4, ओके। तो यानी मुझे आई की वैल्यू चेक करनी थी, ये तो इसके साथ कंपेयर करके हमारे रिजल्ट आई को पैटर्न में बनाएगा। तो
इतना होने के बाद अब चूंकि ये वन मुझे इसे अच्छे से दिखाना है तो कहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, कंट्रोल सी करता हूँ और ये लूप जैसे स्टार्ट होता है तो अगेन ये नेक्स्ट लाइन में आ जाना चाहिए, पर उसके लिए मुझे इसे लिखना पड़ेगा ln ताकि नेक्स्ट लाइन में आया, और यहाँ पे मुझे ब्लैंक लिखना पड़ेगा यानी खाली होना चाहिए। कंपाइल करते अपलोड करते और आउटपुट देखते हैं तो 1 2 2 3 3 4 4 4 यानी जितना टाइम्स में यानी जो भी मेरी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे वो उतना ही टाइम वो लूप चल रहा है। कौन सा लूप? तो इनर लूप। इनर लूप कौन सा है? तो ये फोर लूप जो है वो मेरा इनर लूप है। जैसे ये एक बार देखते हैं तो वन हुआ, ये मैंने आई की वैल्यू को क्या बताया कि वन है, ठीक है। तो जैसे ही आगे जाता है तो पहले तो एक पहले ये वन प्रिंट कर देता है क्योंकि ये लेस देन पहली कंडीशन तो ट्रू रखेगा, फिर आगे जाके देखता है ओके लेस देन फाइव है, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस कर देता है, क्या कर देता है? टू कर देता है। अब टू होके ये वैल्यू जो इंटीजर आर जो है वो जीरो से स्टार्ट होगी, तो यानी जीरो से स्टार्ट होगा और कंपेयर करेगा कि यहाँ पे जो है जो यहाँ पे फाइव है वो एक्चुअल में यहाँ पे टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई जो है मेरा भी टू हो गया इंक्रीज हो गया, तो आर की वैल्यू जो क्या होगी वो बढ़ेगा यानी दो बार मेरे लूप को चलाएगा क्या, तो वो आई की वैल्यू को दो बार प्रिंट करेगा, इधर से लूप चला फिर वापस वो ऊपर के लूप में गया। अगेन ये थ्री टू हो गया, जो टू जो था अब वो प्लस होके थ्री हो गया, इधर वो थ्री इसको जाएगा, इस लूप को जाएगा क्योंकि आर जीरो और आर जो थ्री बन जाएगा तो ये जीरो से स्टार्ट होगा यानी इंक्रीज करेगा और वापस आगे बढ़ेगा और मेरी आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्योंकि आई जो है वो मेरा डिपेंड करता है इस लूप में। तो बस इतना ही था, और जैसे ये फोर होगा तो फोर के बाद अगेन ये आगे जाएगा और ये चेक करेगा और ये जो फोर है वो इस लूप को मिलेगा कंपैरिजन करने के लिए, और ये उसी लूप को फोर टाइम चलाएगा यानी आर की वैल्यू को चार टाइम प्रिंट करेगा, ठीक है। क्योंकि आर जो हो गया वो चार बार यानी प्रिंट क्या हो रहा है, यहाँ पे आर की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही आई की, तो चार बार ये लूप जब जैसे जैसे ये चार लूप बार एग्जीक्यूट होगा तो होगा क्या कि मुझे मिलेगा आर फोर टाइम आर मिल जाएगा, ओके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले चैनल को, अपने शेयर कर अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को। आर्डिनो पे और भी वीडियो बनते रहेंगे, दूसरे भी टॉपिक्स आते रहेंगे, तो तब तक के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही, ओके बाय।